तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो प्रिंट मीडिया तो जिन्हें भी मीडिया के साथी आए ने सारिया का स्वागत आ। मेरे नाल साढ़े सैकटरी विकास प्रताप जी, कमिश्नर वरुण रूजम जी, डिपार्टमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हाजिर ने गे। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनिया एक साल पूरा होया गा। 2022 दे विच सरकार बनने तो बाद सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो बतौर मुख्यमंत्री अहुदा संभालिया और उस तो बाद बहुत सारिया पॉलिसियां पंजाब के अंदर सोधिया गई, नवीं पॉलिसियां पंजाब के अंदर आईया। जिहड़ा माफिया राज जिहड़ा पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सांझी सरकार ने और उस तो बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंजाब के अंदर वख-वख डिपार्टमेंटां के अंदर वख-वख विभागों के अंदर वड्डे वड्डे अपने माफिया राज चलाउण वाले लोग पंजाब के अंदर पैदा किए हुए सीगे। उन्हां लोकां दे कारोबार लगातार चाहे बीजेपी की सरकार सी पंजाब के अंदर चाहे अकाली दल बीजेपी की सांझी सरकार सी चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार सी, इन्हां दे सरकारां दे समय पंजाब के अंदर माफिया का राज पंजाब के अंदर इन्हां लोकां ने कायम किया सी। पंजाब के लोगों ने सत्ता इन्हां नूं सौंपी सी इस गल लई कि पंजाब के अंदर ईमानदारी दा राज करनगे, पंजाब के अंदर भ्रिष्टाचार मुक्त राज कायम होगा। पर लेकिन अफसोस इन्हां ने पंजाब के अंदर माफिया का राज स्थापित किया। और उस तो बाद असी जो अपोजिशन के अंदर भी सी, तुसी सारे नोट करते सी, जो आम आदमी पार्टी 2017 के अंदर पंजाब की विधानसभा के अंदर पहली बार एंट्री हुई तो बिल्कुल आपोजिशन का रोल निभाउण की जिम्मेवारी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लगी। काफ़ी लंबा अरसा बतौर लीडर ऑफ आपोजिशन पंजाब की विधानसभा के अंदर मैं भी काम किया, लगभग 3.5 साल ये जिम्मेवारी जी निभाई। वख-वख पंजाब के मुद्दों पर गल करते होंगे सीगे और पंजाब के अंदर उस समय सी लगातार इस गल की आवाज़ बुलंद की कि पंजाब के अंदर एक शराब का माफिया कायम किया हो, पंजाब के अंदर लिकर का माफिया। उस समय की सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और उस तो पहला बीजेपी ते अकाली दल की सरकार ने पंजाब के अंदर शराब का माफिया कायम किया हो। पंजाब के अंदर तुहानू सारयां याद होगा कि उस शराब माफिया के कारण जिहड़ा माफिया अकाली दल बीजेपी ने कायम किया सी, जिस माफिया की रहनुमाई जिस माफिया की अगवाई उस बाद कांग्रेस पार्टी के लीडर ने की पंजाब के अंदर उस समय की सरकार ने की और जिदे अंदर लगभग जे आपां नूं सारे आपां याद करिए कि पंजाब के अंदर जंडियाला गुरु, तरन तारण, पट्टी, बाबा बकाला होर बहुत सारे शहरों के अंदर गंदी नकली माड़ी 2 नंबर की शराब जिन्हों आप कह दिए पंजाबी वो सरकार उस शराब के कारण पंजाब लगभग 128 के करीब जड़िया 128 जड़िया मौतें हुई सी। हूज ट्रैजडी जी पंजाब के अंदर हुई सी, पंजाब के अंदर इस गलते लगभग उस समय माहौल बनया कि पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी जी वो शराब के माफी की अगवाई कर रही है। बिल्कुल उस समय FIR भी हो मुकदमे भी जोड़े उन्हें अदालतों के पेंडिंग पे ने गे। पर लेकिन मेरा कहने का भाव है कि उस समय एक जबरदस्त जोड़ा माफिया से शराब का पंजाब के अंदर कैम किया होया। मैं जो रेवन्यू की गल करा उन्होंने समय श्रोमणी अकाली दल की जो गल करिए बीजेपी की गल करिए, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूँ टाइम बहुत लग जूगा। जे मैं 2016-17 की गल करा पंजाब के अंदर 15-16
ते 2016-17 का कंपैरिजन करिए 15-16 दे विच 4797 करोड़ रुपए आए और 16-17 के अंदर 4406 करोड़ रुपए आए, यानी कि लगभग 8.15% जिहड़ी आ रेवेन्यू ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਸਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੇ ਉਹ 2% ਵਧੇ ਚਾਹੇ 4% ਵਧੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 8% ਦੇ ਲਗਭਗ 8.15% ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ, 2020-21 ਦਾ, 2020-21-2021-22 ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 6335 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6254, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5% ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 2021-22 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ 6254 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6254 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 8841 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਪਥ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 41.41 ਮੋਰ ਦੈਨ 41% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 41% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 41% ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 41.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 41% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ
कि पुराने समय दौरान की हुंदा सीगा कि पुराने मंत्री साहबान कहते सी खजाना खाली आ क्यों कहते सी क्योंकि वो एक भी कोई भी वह यतन नहीं करते सी क्योंकि उन्होंने जी पुराने समय जे लीडर सी बेईमानी कुट कुट के भरी हुई सी इस गल करके कोई भी पॉलिसी रिव्यू नहीं करते सी कोई भी यतन नहीं करते सीगे कि साढ़े सूबे के जो आर्थिक हालात ने सुधरन सो पहली बार होया कि 8841.4 यानी कि 41.41% का एक वड्डा इतिहासक जड़ा इनक्रीज आ वाधा गा वो पंजाब की इस नवी पॉलिसी के कारण होयागा साडे मेहनती स्टाफ साडे मेहनती जिहड़े वर्कर ने सॉरी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने उन्होंने कारण होयागा नहीं तो इस तो पहला लगातार जिहड़ा हैगा वो घाटा नज़र आउंदा सीगा और उस तो बाद इस साल मैं ये भी दसदा शेयर करदा तुहाडे नाल बड़ी खुशी हो रही है कि असी जिहड़े 171 पंजाब के 171 एक्साइज के ग्रुप बने हुए ने गे उन्होंने असी बेचण का काम जिहड़ा सी तो 11 मार्च 2023 नूं शुरू किया सी और 31 मार्च तो पहला ये सक्सैसफुल पॉलिसी का राज आ दिखाई दिंदा कि 31 मार्च तो पहला विदइन 20 डेज सिर्फ 20 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ 20 दिनों के अंदर अंदर वो सारे साडे वेंट्स जिहड़े वो बिक चुके सी और एक होर भी खुशी की गल आ कि 70% रिन्यू होए ने जिन्ना असी वादा किया सीगा कि असी इस ग्रुप बनाए सीगे कि 16% वादा लवेंगे 12% वादा लवेंगे 10% वादा लवेंगे वो बिल्कुल साढ़े मिथे टारगेट को अचीव करते हुए 70% ने जोड़ा है वो अपने लाइसेंस रिन्यू कराए जोड़े 30% रह गए वो भी जोड़े असी ने विदइन 20 डेज सेल आउट किए असी अपनी जो एसटीमेट किया कि सानू 171 ग्रुपां दे विचों किन्नी आमदन होनी चाहिए है साड़ी आमदन असी अनुमान किया एसटीमेट लाया सीगा कि इस तो सानू किन्नी अमाउंट जिहड़ी आ आऊगी साडा अमाउंट सीगी कि 7,999 करोड़ रुपए की आमदन होने का सानू अनुमान सीगा ये अजे कंप्लीट नहीं अजे कंप्लीट के बाद मैं करूँगा 7,999 करोड़ रुपया मैं ये भी शेयर करद बड़ी खुशी हो रही है कि वो साड़ी जी ऑक्शन के राही वो 8,007,45,00,000 रुपए चो जे बिके ने यानी कि सानू पहली जी सा सेल सी उदे विचों भी लगभग 18,45,00,000 रुपया जिहड़ा हैगा सानू उहदे चों भी वाधू जिहड़ी आ उह कमाई होई आ यानी कि साडा टारगेट जिहड़ा इस साल साडा टारगेट असीं फिक्स कीता गा इस पॉलिसी दे राही कि साडा टारगेट आ इस साल कलैक्ट करन दा 2023-24 दे दौरान 2023-24 दे दौरान साडा टारगेट आ कि 9,754 करोड़ रुपए 9,754 करोड़ रुपए जिहड़े नेगे इस पॉलिसी तो जिहड़ा हैगा वो कमाए जाण जिहड़े कि पंजाब के खजाने च आउणगे 9,754 करोड़ रुपए कमाउण दा टीचा जी जिहदे विचों असी 8,007 करोड़ रुपए जिहड़े साडी किटी च लगभग आ चुके नेगे किस्तां दे राही आउणगे सो साडा इस बार दा टारगेट आ 9,754 नहीं बिल्कुल असी साडे मेहनती साडे ऑफिसर साहबान साडा टारगेट आ कि असी 10,000 करोड़ रुपए नूं टच करांगे इतिहासिक तौर पर पहली बार हो रहा नहीं तो पंजाब के अंदर हमेशा जिवें पहला दस्या गा कि घाटा ही पैदा नज़र आया गा पहली बार हो रहा कि जिहड़ा लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा गा इहदा कारण आ कि पंजाब के अंदर जिहड़ा शराब का माफिया जिहड़ा लिकर माफिया पुरानिया सरकारां ने पुरानिया पार्टियां दी सरकारां ने पंजाब के अंदर एस्टैबलिश किया सीगा जिहड़ा एक पैरलल सरकार के अंदर एक नवी इकोनमी जिहड़ी आ वो शुरू की इकोनमी सी पैरलल
जी शराब का धंधा करने वाले लोगों की उन्होंने तहस नहस किया। और पंजाब के अंदर 1 अप्रैल 2022 तो लैके 28 फरवरी तक का मैं अंकड़े की गल करदा लगभग 6317 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो मुकदमे दर्ज होए जिन्हां विचों लगभग 6100 तो उपर लोगों असी जेलों के अंदर डकया। एक बहुत बड़ी प्राप्ति आ जे पुराने अंकड़े की करिए कितने घटने के नालों यानी कि 6317 व्यक्तियों के FIR अलॉद हो जिन्हां विचों 6114 व्यक्तियों जो अरैसट किया गया। सो बड़ी पद्धर जो वर्किंग स्टाइल जिन्होंने भट्टियां कह दें उन्होंने फट के तबाह किया गया। और ईएनए एक्सट्रा न्यूट्रल अलकोहल जोड़ा हैगा वो 2-3 कंसाइनमेंटा फट के वो जड़ियाँ तबाह की गई उनके खिलाफ एक्शन होया। और पंजाब के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस जी सिस्टम सेगा लिकर का कितों चली कितने पहुँच गई वह भी असी उसकी शुरुआत पिछले साल की इहदा बहुत बड़ा फायदा होया। पंजाब के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नाल जिहड़ा एक्साइज़ का क्यू आर कोड लैवल वेरीफिकेशन सिटीजन ऐप से वो लॉन्च की बहुत बड़ा फायदा होया। सो ई आबकारी प्रोजैक्ट के अधीन उत्थे सानू फ्लो का पता लग्या कि कितों शराब आ रही है कितने जा रही है कोई रास्ते तो नहीं जिहड़ा हैगा वह महसूस कर रहा। सो मेरा कहने का भाव आ कि पहली बार पंजाब के अंदर इस पॉलिसी के राही एक बड़ा जिहड़ा हैगा वो सानू वाधा मिले एक्चुअल जिहड़े हैगे ने वो फिगर ने क्योंकि जो बजट होंदा उदो एसटीमेट लगते हैं उदो बाद रिवाइज आउंदा एक्चुअल जिहड़ा डाटा साडे कोले साडे सिस्टम के उत्ते साडे पहुंचेगा आबकारी के अंदर वो पहुंचेगा। सो मैं समझदा कि पहली बार होया कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी दी पार्टी साडी पार्टी आम आदमी पार्टी जिहड़ी कि करप्शन दे अगेंस्ट चली मूवमेंट चो पैदा हुई भ्रिष्टाचार दे अगेंस्ट चली मूवमेंट चो पैदा हुई उस लीहां ते चलदिआं पंजाब दे अंदर सरकार जदों बणी आ ये वड्डा वाधा तां देखण नूं मिलिआ क्योंकि पंजाब दे अंदर एक ईमानदार सरकार जिहड़ी आ उह सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख्यमंत्री साहब दी अगवाई च जिहड़ी उह चल रही आ। सो एक बड़ा जिन्होंने लोग कहते बदला गया वह बदलाव जरा इतने देखने मिले।